मेष राशि, मेष राशि के लिए बहुत अच्छा परिवर्तन होने जा रहा है राहु और केतु का। पहले राहु की जाने, राहु आपके चतुर्थ स्थान में पहले बैठा हुआ था, आपके घरेलू सुख उसने नष्ट कर दिए थे, आपकी माता की तबीयत उसने खराब रखी, आपको वाहन से परेशानी दी, आपके हेल्पर्स के साथ उसने बहुत उटपटांग हरकतें की। अब जाके राहु आपके तृतीय में आ जाएगा जो कि बहुत ही शुभ है। राहु आपको बड़ी तेज गति से, उमंग से, उत्साह से काम करवाएगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपको तरह तरह के ऑफर्स आएंगे, मीडिया से रिलेटेड, टेलीविजन से रिलेटेड, कोई आप ऐसा जो अभिनय का क्षेत्र है या गायन, सिंगिंग, वादन किसी में भी हैं आप, तो उसमें भी आपको राहु की वजह से तरक्की मिलेगी। अगर राइटिंग में है तब भी आपको राहु की वजह से तरक्की मिलेगी। यही राहु आपको खूब सारी यात्राएं कराएगा ऐसे ही कामों के लिए, और आप जगह जगह घूमते फिरते नजर आएंगे, छोटी छोटी यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी। अब राहु जो है जहां बैठा है वो आपके छोटे भाई बहनों का भी घर है, तो याद रखिएगा भले ही आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ उन्नति पाएंगे, उनके साथ अच्छा काम करेंगे, लेकिन फिर भी आप भ्रमित ना हो अपने छोटे भाई बहनों को लेकर। आप यात्रा में भी जब जाएं तब आप भ्रमित ना हो, आप छोटी छोटी उपलब्धियों को लेकर बहुत बड़ा आश्वस्त ना हो जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म आपको सब काम फटाफट करने हैं, इसलिए आपका नेचर ही ऐसा हो जाएगा कि अभी जो काम हो रहा है उसको शॉर्टकट कैसे किया जाए, और हो सकता है आप काम में जो जल्दी सफलता पाने के लिए गलत तरीके ना अपनाएं। चलिए जानते हैं कि राहु की दृष्टि क्या काम करेगी आप पर। पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से राहु देखेगा अनेक घरों को, और आप ये जानेंगे कि इसकी वक्र दृष्टि होती है, तो ये नॉर्मल दृष्टि नहीं। तो राहु जो पंचम दृष्टि से देख रहा है वो आपके लाभ भाव को देख रहा है, तो आप शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहेंगे, आप शॉर्टकट से अपने जितने केसेस वगैरह उलझे हुए हैं उनको निपटाना चाहेंगे, अपनी पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद सुलटाना चाहेंगे, तो वो एक अच्छी बात है क्योंकि राहु शनि के घर को देखेगा तो वो उधर फायदा ही करेगा। इसके बाद सप्तम दृष्टि पड़ रही है राहु की आपके भाग्य स्थान पर, वहां पर वो गड़बड़ करेगा, आपको केतु एक तरफ से अपॉर्चुनिटीज देगा, तो राहु आपको काम तो करवाएगा लेकिन साथ में स्ट्रगल और मेहनत और बहुत ज्यादा आपाधापी और सांस ऊपर तक चढ़ जाना, इतनी मेहनत करना, ऐसे राहु आपको करता रहेगा। बड़े भाई बहनों से मन मुटाव ना कीजिएगा। आपकी राहु की नवम दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर पड़ रही है, तो आपके जो पत्नी पार्टनर या आपके जो विवाहित जीवन है वहां पर भी सब इसी तरीके से शॉर्टकट से काम करना चाहेंगे, जल्दी सफलता मिल जाए ऐसा चाहेंगे, साथ साथ उनके साथ आपके विवाद ना हो, भले आपका विवाद कोई इतना बड़ा नहीं होने जा रहा लेकिन विवाद ना हो इसका ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये कि उनके साथ मिलके काम करेंगे आप तो आपकी उन्नति होगी। अब केतु की बात की जाए तो केतु का सबसे पहले भाग्य में बैठना, वहां का झंडा फहराना है, आपको तरह तरह के काम ऑफर होते रहेंगे, आपको बड़े भाई बहनों से लाभ होता रहेगा और आपको भाग्यवर्धक संदेश से आते रहेंगे, आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ जाएगी और आप ऐसा कोई काम करना चाहेंगे, ऐसे पैसे लगाना चाहेंगे जो धर्म से जुड़ा हुआ हो। अब केतु जो है उसकी भी पंचम दृष्टि क्या कहती है आपके लिए वो मैं बताती हूँ। केतु की पंचम दृष्टि पड़ेगी आपके पांचवे स्थान पर, मतलब कि आपकी बुद्धि पर, तो आप धार्मिक हो जाएंगे ज्यादा और अपने बच्चों को भी चाहेंगे कि वो भी आपकी तरह धार्मिक बने, वो भी किंचित स्वरूप से आपके साथ धर्म की ओर रुचि बढ़ाएंगे, आपके घर में पूजा पाठ बढ़ेगा, आपके धार्मिक स्थलों पर आपकी यात्राएं बढ़ेंगी, आप अध्ययन वगैरह करेंगे और साथ में आपकी पढ़ना, जो धार्मिक पुस्तकें पढ़ना बढ़ जाएगा, पूजा पाठ बढ़ जाएगा। और सप्तम दृष्टि जो केतु की पड़ेगी वो पड़ेगी आपकी यात्रा वाले स्थान पर, तो आप यात्राएं भी ऐसी करने की कोशिश करेंगे जिसमें आपको धार्मिक स्थलों पर जाने को मिले, साथ में छोटे भाई बहनों को, बड़े भाई बहनों को भी ले लेंगे आप। नवम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी तो आपका पहरावा वगैरह भी कुछ इसी प्रकार से होगा, जैसे आप धार्मिक इंसान हैं और आप अपने आप को वैसा ही पोज करने की कोशिश करेंगे, आप शांत रहने की कोशिश करेंगे।